मिश्र वाक्य को अलग अलग करेंगे। इसके नियम क्या है, मिश्र वाक्य की पहले हम परिभाषा देखेंगे। परिभाषा में क्या था, परिभाषा क्या परिभाषित करती थी कि इसमें एक मुख्य प्रधान उपवाक्य होगा, अन्य गौण आश्रित उपवाक्य होंगे जो किसी न किसी समुच्चय बोधक व्याधिकरण से जोड़े जाएंगे। तो समुच्चय जो है समुच्चय व्याधि समुच्चय बोधक व्याधिकरण से जोड़े जाएंगे। और इसके जो थे अब नियम भी वही आएंगे, इसको विश्लेषण जो इसका हम करेंगे, जो अलग करेंगे इसको, वो भी हम विश्लेषण उन्हीं नियम से करेंगे। सबसे पहले क्या आ जाएगा आपका प्रधान उपवाक्य, यानी कि आप सबसे पहले वाक्य में से प्रधान उपवाक्य को छांटेंगे, उसके बाद आपका आश्रित उपवाक्य, आश्रित उपवाक्य, उसके बाद आपका आ जाएगा समुच्चय बोधक अव्यय। अगर पॉसिबल हो तो चौथा भी निकाल लेते हैं वाक्य से संबंध, और नहीं है तो हम तीन, ये तीन निकाल लेंगे, ये अनिवार्य है। तो एक उसके इसको टेबल के द्वारा भी हम देख सकते हैं, एक वाक्य लिखते हैं यहां पर, इसको हम वाक्य के माध्यम से देखते हैं। जो परिश्रम करते हैं वे सफल होते हैं, जो परिश्रम करते हैं वे सफल होते हैं। अगर फिर भी आपको प्रधान उपवाक्य, वैसे तो मैंने बता दिया था कि जो वो है आपका योजक चिन्ह से शुरू होगा, योजकों से शुरू होगा, वो आपका आश्रित होगा, और फिर भी आपको अगर लग रहा है तो इसकी मुख्य क्रिया, अगर इसको आप सरल में बदलते हो, सरल वाक्य में कन्वर्ट अगर आप करते हो और फिर देखते हो इन दोनों में से जिसकी क्रिया रहती है वही मुख्य वाक्य होगा, वही आपका प्रधान उपवाक्य होगा। दूसरा देखिए, जो परिश्रम करते हैं वे सफल होते हैं, एक हमारा वाक्य इसके अंदर। दूसरा वाक्य हमारा, सब विद्यार्थियों विद्यार्थी जानते हैं कि मोहन चोर है, सब विद्यार्थी जानते हैं कि मोहन चोर है, ये हो गया आपका। अब दो वाक्य हैं, इसको हम मैं ऊपर से हटा देती हूँ, इसको हम एक तालिका के माध्यम से भी कर सकते हैं, एक तालिका के माध्यम से यहां बना लेते हैं। सबसे पहले हम प्रधान उपवाक्य शॉर्ट फॉर्म में लिख देती हूँ, फिर आपका बना देते हैं आश्रित उपवाक्य, फिर आपका ले आते हैं क्या चार चीजें हमें चाहिए थी यहां पर, फिर आ जाएगा हमारा योजक, फिर आ जाएगा हमारा भेद वाक्य, वाक्य भेद। तो अब देखिए पहले किससे, कौन से उससे जुड़ा हुआ है, जो से, और अब यहां फिर अगर ये इससे जुड़ गया तो हमारा क्या हो गया, आश्रित उपवाक्य हो गया। ये हमारा क्या है, हमारा प्रधान उपवाक्य, वे सफल होते हैं। ये अब इसके बाद आश्रित परिश्रम करते हैं, परिश्रम करते हैं। इसके बाद अब योजक में किससे जुड़ा हुआ है, जो से, और जो हमारा किस में आता है, जो किस में आता है, हमारा किस में लिया था हमने जो योजक, विशेषण, विशेषण आश्रित उपवाक्य, मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया, आप पूरा पूरा नाम लिखेंगे, एक हो गया। अब इस तरह से ये आपकी
तालिका बनेगी। इसी वाक्य को हमने इस तरह से लिख दिया, सबसे पहले हमने प्रधान उपवाक्य को पहचाना, उसके बाद हमने आश्रित उपवाक्य को लिखा, उसके बाद हमने योजक, और योजक से हमें जाना कि ये हमारा कौन सा वाक्य भेद हो गया था। तो अब इसके बाद इसमें देखो किससे जुड़ा हुआ है, वेरी गुड, की से सही पहचाना आपने, मोहन चोर है, तो ये की से जुड़ा है, तो ये इसके ऊपर देखो सब विद्यार्थी जानते हैं, ठीक है। अब ये देखो यहां से जुड़ा हुआ है, मोहन चोर है। अब यहां पर ले आएंगे हम प्रधान में सब विद्यार्थी, जानते हैं, ये हमारा प्रधान उपवाक्य। आश्रित क्या रहा, मोहन चोर है, फिर की, और की हमारा किससे जुड़ता है, की हमारा किससे जुड़ता है, संज्ञा, संज्ञा आश्रित उपवाक्य, क्योंकि मिश्र वाक्य में हमने जाना था कि तीन तरह के आश्रित उपवाक्य हैं, कौन कौन से, संज्ञा आश्रित उपवाक्य, विशेषण आश्रित उपवाक्य, उसके बाद फिर हमारा तीसरा और निकाल लेते हैं, एक वाक्य और देख लेते हैं। जब मैं छोटा लड़का था, जब मैं छोटा लड़का था, तब खूब साइकिल चलाता था। जब मैं छोटा लड़का था, खूब साइकिल चलाता था। तो अब इसमें देखो सबसे पहले हमें क्या देखना है कि कहां से जुड़ा हुआ है, जब से, तो ये हमारा जब छोटा, देखो अर्थ के उस पे भी देख सकते हैं, जब छोटा लड़का था, तो आगे अर्थ ही नहीं आ रहा है हमारा कि क्या था, क्या करता था, कोई पता ही नहीं चल रहा है, तो और खूब साइकिल चलाता था, वो अपने आप में अर्थ दे रहा, तो वो हमारा, मैं ये यहां से हटा देती हूँ, इसे मिटा देती हूँ, जो परिश्रम करते थे, क्योंकि ये हमारा ऊपर आ चुका है। इसको अब हम देखेंगे थर्ड को, ये हमारा फर्स्ट वाक्य विश्लेषण हो गया, ये हमारा सेकंड हो गया, और इसको हम यहाँ पे एक लाइन और दे देते हैं ताकि वो अलग चला जाए हमारा तालिका के अंदर, चाहे तो हम इसको बंद भी कर सकते हैं ऐसे, ये हमारा इसके अंदर हो गया। और इसके बाद निकालते हैं, अब आप निकालें, ये देखिए क्या जाएगा, खूब साइकिल चलाता था, खूब साइकिल चलाता था, ये आपका क्या हो गया, प्रधान उपवाक्य, वेरी गुड। इसके बाद हमारा ये पास ये बचता है, हमारे पास बचा मैं छोटा लड़का था, ये हमारा हो गया मैं छोटा लड़का था, ये हमारा हो गया आश्रित उपवाक्य। तो इसके बाद किससे जुड़ा है ये, जब, और जब तब किस में आते हैं, जब और तब, तब भी लिख सकते हैं और ना लिखें तो भी काम हमारा चल सकता है, जुड़ा ये जब से है। जब तब किस में आ जाएगा, क्रिया विशेषण में, कौन से में, जब तक कालवाचक में आता है वैसे, तो सीधा अगर हमें कालवाचक की, परिमाणवाचक की, स्थानवाचक की, रीतिवाचक की नहीं है, तो हम सीधा क्रिया विशेषण लिख देंगे यहां पर। तो क्या आ गया यहां पर, क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य। आपको पेपर में इस तरह से निकालने हैं, अगर ऐसे नहीं निकालने हैं तो जो भी आपसे एग्जामिनर पूछता है क्वेश्चन कि दिए गए वाक्य में से आप वाक्य भेद बताकर उसका उपवाक्य भेद लिखिए, तो आप ये ऐसे आश्रित या प्रधान पूछ लिया तो प्रधान, या वो आ जाएगा तो वो, तो इस तरह से
ये आपका इन्हीं वाक्यों को हम बिना टेबल के भी कर सकते हैं। ये तो था हमारा टेबल से मींस तालिका से था, हमने इसको समझा तालिका के द्वारा निकाल दिया। तालिका को हमने चार भागों में बांटा, प्रधान उपवाक्य, आश्रित उपवाक्य, योजक और वाक्य भेद। इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं बिना तालिका के भी। एक उदाहरण से उसको देख लेते हैं। इन्हीं को देख लेते हैं या दूसरे को, एक दूसरे उदाहरण के द्वारा उसको भी हम तालिका में डाल सकते हैं या इसके अंदर भी। ये देखिए, मोहन परिश्रम करता तो अवश्य सफल हो जाता। बिना तालिका के करेंगे, मिश्र का ही है बेटा, मिश्र वाक्य का विश्लेषण। तो इसको हम मोहन परिश्रम करता तो अवश्य सफल हो जाता। जैसे हमने बाकी के तीन किए थे, कौन से? सरल किया था, संयुक्त किया था। बिना तालिका के गर्म करना चाहिए तो इस तरह से भी कर सकते हैं, मोहन परिश्रम करता तो अवश्य सफल हो जाता। तो इसको हम बिना उसके अवश्य सफल हो जाता, ठीक है? तो इसमें अवश्य सफल, सफल होना, मोहन परिश्रम करता, अब यहां आगे नहीं दे रखा है, यदि आएगा यहां पर वैसे नहीं दे रखा है, तो इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं। देखो, परिश्रम करता तो क्या होता, अपने आप में पूरा ही नहीं है, वो प्रथम भी आ सकता था या वो परिश्रम करने पर असफल भी हो सकता था, तो अवश्य सफल हो जाता। अब हमारा सबसे पहले प्रधान उपवाक्य हमारा क्या आ जाएगा, अवश्य सफल होता, अवश्य सफल हो जाता। ये हमारा किसमें आ गया, प्रधान प्रधान उपवाक्य। अब इसमें हमारे पास बचा मोहन, मोहन परिश्रम करता, ये आपका आ गया आश्रित, आश्रित उपवाक्य। आपका योजक तो निकल आएगा, ठीक है? तो इसमें आपका योजक, इसके साथ यदि यहां पर योजक जो आपका है ये आ जाएगा, योजक आपका तो किस में चला जाएगा, क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण उपवाक्य। क्यों? क्योंकि यदि और उसकी प्रमाण में, प्रमाणवाचक क्रिया विशेषण में, जो क्रिया विशेषण के चार भेद थे, हम इस तरह से भी निकाल सकते हैं, और अभी मैंने तालिका से समझाया उस तरह से भी निकाल सकते हैं, जिस तरह से आपका, आपको इजी लगे, आपको सरल लगे, आपको आसान लगे, उसके अनुसार आप इसको निकाल सकते हैं। तो हमने किया आज वाक्य विश्लेषण, संयुक्त वाक्य विश्लेषण और मिश्र वाक्य विश्लेषण। हमारा वाक्य विश्लेषण कंप्लीट हुआ, क्योंकि सरल वाक्य विश्लेषण और मिश्र वाक्य विश्लेषण और संयुक्त वाक्य विश्लेषण हमने किया, तो हमारा वो उम्मीद करती हूँ आपको समझ आ गया होगा बेटा, और आप इस तरह से निकाल कर देखेंगे, अभ्यास करेंगे। इसके बाद हम वाक्य संश्लेषण